हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है केमिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग नीट के पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और लगभग इस पेपर में हमारे पास 18 क्वेश्चन है, तो देखते हैं बच्चों केमिकल एनालिसिस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखो बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। अब देखो यहां पर सेपरेशन के चार प्रोसेस दे रखे, सब्लिमेशन भी दे रखा है, क्रोमेटोग्राफी भी दे रखा है, क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है, स्टीम डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन उन सॉलिड सब्सटेंस के लिए होता है जो सब्लाइम हो जाता है, जैसे आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, तो ये हो नहीं सकता। क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड सब्सटेंस के लिए होता है, स्टीम डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए होता है। तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बोथ आर लिक्विड। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता हूं तो ये हमारे पास फिनॉल हो गया, ये हमारे पास नाइट्रो, दूसरा हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये OH और यहां NO2। अब देखिए बच्चों, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। और जब बच्चों दो सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है तो हम उसको मेथड से सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, तो पूछा है ड्यूमास मेथड से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एस्टिमेशन कर रहे हैं जिसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज का पता करेंगे। तो यहां पर हमने कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, 0.25 ग्राम। उसके बाद बच्चों जो हमें नाइट्रोजन मिली है वो कितनी मिली है, 40 ml ऑफ नाइट्रोजन, कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे, और प्रेशर कितना था हमारे पास, 725 mm। ये आगे बोल रहा है इफ द एक्वस टेंशन, देखो कई बार एक्वस टेंशन के बारे में पूछता है, 300 केल्विन पर एक्वस टेंशन अगर 25 mm है तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो देखो, नाइट्रोजन की परसेंटेज का फॉर्मूला होता है बच्चों, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनटू 100 बाई 22400 इनटू वेट ऑफ सैंपल, सैंपल यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया। क्लियर? तो अब देखो बच्चों, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है, केवल हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। लेकिन बच्चों ये जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ N2 दे रखा है ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे दे रखा है, यानी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर कितना N2 मिल रहा है, लेकिन हमें STP पर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों चीजें यहां पर लिख देता हूं। देखो, एक तरफ हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, क्लियर, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे एट STP। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में V1 यानी वॉल्यूम ऑफ N2 कितना है, 40 ml। T1 यानी टेम्परेचर कितना दे रखा है हमारे पास, 300 केल्विन। और बच्चों P1 यानी प्रेशर जो है कितना दे रखा है, 725 mm। लेकिन बच्चों एक चीज अगर आप ध्यान रखने, अगर एक्वस टेंशन दे रखा है या इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है उसमें कुछ प्रेशर वाटर वेपर का भी है, तो वो N2 का पूरा प्रेशर नहीं हुआ, इसलिए आपको वाटर वेपर के प्रेशर को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो P1 को हम कैसे निकालेंगे, 725 - 25 = 700। तो P1 हमारे पास अब कितना आ गया, 700 आ गया। ध्यान रखना है ना, एक्वस टेंशन को माइनस करना है 725 में से। क्लियर हो गया? तो P1, V1 और T1। अब STP पर क्या होता है, P2, V2 एंड T2। तो V2 तो हमें निकालना है, P2 आपको मालूम है कांस्टेंट होता है 760 mm, और T2 भी कांस्टेंट होता है 273 केल्विन।
क्लियर हो गया। तो अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू, ठीक है। और हमें निकालना है क्या वी टू, तो वी टू बाई हो जाएगा हमारे पास पी वन वी वन टी टू बाई पी टू एंड टी वन, क्लियर। तो अब सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में रखो, तो देखो पी वन कितना हमारे पास है, पी वन बच्चों हमारे पास है 700 mm, है ना। तो 700 इंटू वी वन कितना हमारे पास 40, ठीक है। टी टू कितना हमारे पास, टी टू है बच्चों 273, ठीक है। आगे देखो पी टू कितना हमारे पास, पी टू है 760 इंटू टी वन कितना हमारे पास 300, क्लियर। अब बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 33.5 ml। ये क्या है बच्चों, वी टू यानी नाइट्रोजन का वॉल्यूम एट एसटीपी, इतना आ गया हमें। अब हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में ये रखना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 तो ऊपर दे रखा है, इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी हमें मिल गया है 33.53 इनटू 100 बाई 22400 इनटू वेट ऑफ सैंपल कितना है बच्चों, देखो वेट ऑफ सैंपल दे रखा 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम, क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बच्चों निकल के आ जाएगा आपके पास 16.76%। तो हमारे पास जो N2 का परसेंटेज है वो है 16.76%। अब देखो 16.76 का है, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्लियर। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट पे आप सर्कल करो ताकि याद रहे, नॉट ट्रू ढूंढना है। पहला देखो, ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड, ये बिल्कुल सही है। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो H2S को यानी H2S को सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रिफर्ड ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये गलत है बच्चों। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा बी, सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक होता है, Na2Cr2O7 इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से ये एनालिसिस में यूज नहीं हो सकता है, नॉट यूज्ड इन एनालिसिस, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन भी देख लो, K2Cr2 सॉल्यूशन इज एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, यस ऑरेंज कलर का पाउडर होता है K2Cr2O7 का, तो ये भी सही है। K2Cr2 सॉल्यूशन बिकम येलो ऑन इंक्रीजिंग pH, यस बच्चों ये एसिडिक pH में ऑरेंज होता है लेकिन बेसिक pH में ये येलो कलर का होता है, क्लियर हो गया। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द लेसेन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 व्हाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजन बाय डूइंग इट सो। तो यहां पर पूछा है लेसेन एक्सट्रैक्ट को हम HNO3 के साथ ट्रीट क्यों करते हैं। तो बच्चों देखो, जो लेसेन एक्सट्रैक्ट होता है उसका यूज हम करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। और जब बच्चों हम इसके साथ HNO3 मिलाते हैं तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, किसकी इम्प्योरिटीज, सोडियम साइनाइड की इम्प्योरिटीज होती है, वो HNO3 के साथ मिलकर इस तरह का एक कंपाउंड बनाते हैं NaNO3NHCN। और दूसरा हमारे पास है Na2S प्लस HNO3, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों प्लस H2S। तो ये जो इम्प्योरिटीज होती है NaCN और Na2S, इनको हटाने के लिए हम HNO3 इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों, अगर ये दोनों हो तो क्या करते हैं, अगर हम जब हैलोजन का टेस्ट करेंगे और NaCN उस लेसेन एक्सट्रैक्ट के अंदर होगा तो वो बच्चों AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCN का प्रेसिपिटेट बना देगा और साथ में NaNO3 बनेगा। तो AgNO3 का काम होता है HX के साथ मिलकर AgX का प्रेसिपिटेट बनना।
तो ये तो इसके साथ मिक्स हो गया, तो एच एक्स के साथ ये मिक्स होके एजीएक्स का प्रेसिट्रेट नहीं बना पाएगा, इसीलिए हम हैलोजन का एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए NaCN और NH2S को हटाना जरूरी है। क्लियर? तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। ड्यूमास मेथड से हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं और हमें जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम 55 ml है, टेम्परेचर 300 केल्विन है और यहां पर जो प्रेशर है वो 175 है। ये गलत है, देखो बच्चों मिसप्रिंट हो गया, यहां पर प्रेशर है 715, नोट कर लीजिए, है ना। द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड विल बी, और एक्वस टेंशन कितना दे रखा है 15 ml। तो सेम कंसेप्ट इस्तेमाल करना है जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP इनटू 100 बाय 22400 इनटू वेट ऑफ सैंपल, है ना। बार बार रटोगे तो फॉर्मूले याद हो ही जाएंगे। तो अब हमें जो है वॉल्यूम ऑफ N2 STP पर पता करना है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर वॉल्यूम दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और यहां है एट STP। तो यहां पर P1 V1 और T1 हमें मालूम करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो P1 कितना दे रखा है 715, लेकिन बच्चों एक्वस टेंशन है 15 ml, तो 715 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 700 ml, ठीक है। प्रेशर हमने निकाला, वॉल्यूम कितना दे रखा ऊपर देखो 55 ml, क्लियर हो गया, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है। अब P2 कितना होता है बच्चों 760 ml Hg, V2 हमें निकालना है और T1 कितना दे रखा है 273 केल्विन, ठीक है। V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P1 V1 T2 बाय P2 × T1। तो अब सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट अप करो, P1 कितना है 700 इंटू V1 कितना है 55, ठीक है। T2 कितना है हमारे पास, ये T2 है 273, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, P2 कितना है हमारे पास 760 इंटू T1 कितना है हमारे पास 300, क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 46.09 ml, ये N2 का वॉल्यूम आ गया एट STP पे। अब सीधे आप फॉर्मूले में पुट अप कीजिए, परसेंटेज ऑफ N2 इक्वल टू 28 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP कितना आया 46.09 इंटू 100 बाय 22400 इंटू वेट ऑफ सैंपल कितना दे रखा है 0.35 ग्राम। तो अब बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 16.45%। तो कहीं दिख रहा 16.45%, यस ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो मेथड आपको मालूम होना चाहिए, बस बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो या तो आपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा, क्या पूछा देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, ऑक्सीजन की कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देना है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो 100 माइनस दोनों को प्लस कर दो 38.71 प्लस 9.6, क्लियर। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 51.62%। तो अब हमारे पास CHO तीनों की परसेंटेज हमने मालूम कर दी है। तो हमारे पास अब जो एक चार्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो एलिमेंट मैंने लिखने हैं पहले कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है बच्चों 38.71, क्लियर। हाइड्रोजन का 9.67, क्लियर। ऑक्सीजन का हमने निकाला है 51.62। अब बच्चों इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, मोलर मास रेशियो निकालेंगे। तो देखो मोलर मास रेशियो कैसे करेंगे, 38.71 बाय 12, 9.67 बाय 1 एंड 51.62 बाय 16, ठीक है बच्चों।
तो अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3.23, 9.67 एंड 3.23, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल रेशियो निकालना है, तो 3.23 बाय 3.23 टू 1, 9.67 बाय 3.23 इक्वल टू 3, अगेन 3.23 बाय 3.23 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिंपल रेशियो आ गया है वो C1H3O1, यानी CH3O इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तो बच्चों आंसर हो गया हमारे पास CH3O यानी ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेथिलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर। नेथिलीन और बेंजोइक एसिड है, तो बच्चों देखो जो नेफ्थलीन है वो सब्लिमेशन फिनोमेना शो करता है, जबकि बेंजोइक एसिड एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो अगर दोनों एक साथ मिक्स हो तो हम दोनों को गर्म करेंगे तो नेफ्थलीन तो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेंजोइक एसिड छूट जाएगा। तो नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को सबसे अच्छा तरीका है सेपरेट करने का सब्लिमेशन, क्योंकि यहां पर जो है नेफ्थलीन सब्लिमेशन फिनोमेना शो करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो 7 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन बिकॉज। देखो बच्चों तो यहां पर जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इट्स वोलेटाइल। कैम्फर जो है किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिनेशन करने में काम आता है, और उस मेथड को हम बोलते हैं बच्चों रास्ट, रास्ट कैम्फर मेथड, रास्ट कैम्फर मेथड। और इसमें बच्चों जो कैम्फर है वो एज ए सॉलिड सॉल्वेंट यूज होता है, और वोलेटाइल होने की वजह से ये आसानी से रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए इसके वोलेटाइल नेचर की वजह से ही इसको हम मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दोबारा देखो वैसा ही क्वेश्चन आएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, और उसका एनालिसिस करने पर कार्बन 40%, हाइड्रोजन 13.33%, नाइट्रोजन 46.67% आया है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। सेम टू सेम बच्चों कहानी वही हो जाएगी हमारे पास। देखो तो हमने क्या करना है, यहां पर टेबल बनानी है जिसमें पहले एलिमेंट लिखेंगे CHNN। तो कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दे रखा है 30.33%, और नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.67%। कार्बन का मॉलिकुलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ठीक है। मोलर मास रेशियो कितना होगा 40 बाई 12, 13.33 बाई 1, 46.67 बाई 14। तो देखो बच्चों यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3.33, यहां पे आ जाएगा 13.33, और नीचे आ जाएगा अगेन 3.33। सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, 3.33 बाई 3.33 इक्वल टू 1, 13.33 बाई 3.33 इक्वल टू 4, एंड अगेन 3.33 3.33। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो C1H4N1 यानी CH4N, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा देखो, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉलविन द प्रेशर ऑफ टॉलविन इन द वेपर इज। तो बच्चों जब हम टॉलविन का स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो इसको एक्वस सॉल्यूशन के साथ हम मिक्स करते हैं, तो वहां पर वाटर की वेपर रहेगी, टॉलविन की वेपर रहेगी। वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, यानी वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जो बच्चों टॉलविन का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 384 केल्विन, इसका मतलब ये वाटर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो बच्चों इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, कम वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा बजाय वाटर के, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा देखो, यहां पर ये पूछा कि कौन सी टेक्निक है जो साइक्लोहेक्सोनोन को कुछ कंपाउंड के मिक्सचर से उसको अलग करती है। तो साइक्लोहेक्सोनोन को अलग करना है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड, साइक्लोहेक्सीन और आइसोएमाइल अल्कोहल से। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी।
आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पर किसी केमिकल के अंदर इंफ्रारेड की वेवलेंथ डाली जाती है। तो बच्चों क्या होता है कि वो केमिकल उन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एक खास तरह की पीक शो करता है। यानी जो पीक होती है किसी केमिकल कंपाउंड के द्वारा वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है और हर किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। इस वजह से वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो एक करेक्टरिस्टिक पीक वो बनाएंगे। इसी करेक्टरिस्टिक पीक की वजह से हर किसी कंपाउंड को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो देख लेते हैं फटाफट से, एक टेबल बना लो। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन कितना परसेंट है बच्चों? 40% है, हाइड्रोजन 6.6% है और ऑक्सीजन 53.34% है। कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। क्लियर हो गया? ठीक है। सिंपल मोलर रेशियो कितना होगा? 40/12 इक्वल टू 3.33। उसके बाद आ जाएगा 6.6/1 इक्वल टू 6.6। उसके बाद आ जाएगा 53.34/16 इक्वल टू 3.33। सिंपल रेशियो हम कैसे पता करेंगे? 3.33/3.33 इक्वल टू 1, 6.6/3.33 इक्वल टू 2 एंड 3.33/3.33 इक्वल टू 1। तो हो जाएगा बच्चों CH2O। तो आंसर हो जाएगा ए। आ जाओ 13 पर। लेसेन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इन, किन कंपाउंड के लिए हम लेसेन टेस्ट नहीं कर सकते हैं? तो लेसेन टेस्ट बच्चों नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, इन सब के लिए किया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन कुछ खास ग्रुप में होना चाहिए तभी जाके होगा, अदरवाइज हर किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है उसमें हम नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा बी, हाइड्राजीन। देखो मैं आपको बताता हूं लेसेन टेस्ट किस किस के लिए नहीं होता। अगर नाइट्रोजन नाइट्रो की फॉर्म में हो या नाइट्रोजन जो है एजो की फॉर्म में हो, इन दो कंडीशन में यहां पर हम नाइट्रोजन का डिटेक्शन लेसेन टेस्ट से नहीं कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है बच्चों वो इस तरह हो, ठीक। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जो हमारे पास हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन में कार्बन नहीं है, तो कार्बन होना जरूरी है नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट में, तभी जाके वो जो है आगे जाके NaCN में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ना कि जो लेसेन टेस्ट में नाइट्रोजन है वो साइनाइड की फॉर्म में होता है, CN की फॉर्म में होता है, और साइनाइड की फॉर्म में आने के लिए उसके पास कार्बन होना जरूरी है। हाइड्रोजन में कार्बन नहीं है इसलिए हम यहां पर नाइट्रोजन का डिटेक्शन नहीं कर सकते। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14, ए इज लाइटर फिनॉल एंड बी इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। दो कंपाउंड है फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो दोनों को सेपरेशन करने के काम आएगा। तो बच्चों देखो हमारे पास है फिनॉल, तो फिनॉल बना लो, दिस इज फिनॉल, और दूसरा है एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो मैं बेंजोइक एसिड लिख देता हूं, है ना, ठीक है, ये और ये। अब देखो बच्चों सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और दोनों एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सोडियम सल्फेट, इसके साथ भी ऐसी कंडीशन होगी दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस है, तो जब बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो है एक इस तरह का सॉल्ट बनाएगा, साथ में CO2 को रिलीज करेगा। तो बच्चों CO2 के रिलीज होने से ही हमें ये पता चलता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज स्पेसिफिक, वो कभी भी फिनॉल नहीं देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल रिएक्शन नहीं देगा या उसमें वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी, याद रखना। फिनॉल के लिए हम FeCl3 टेस्ट यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यूज करते हैं। 15, इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, ये देखो साइनाइड, ध्यान रखना है ना बच्चों, नाइट्रोजन हमेशा साइनाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही टेस्ट किया जाता है। और साइनाइड किस फॉर्म में होगा? सोडियम साइनाइड, क्योंकि हम सोडियम भी यूज करते हैं इसमें, ठीक है। 16,
जलडाल मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। जलडाल और ड्यूमास दो ऐसे मेथड है जो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में काम आते हैं। 17 लेसेन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन, तीनों होते हैं बच्चों, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रशन ब्लू कलर कब बनता है, जब Na4FeCN6 ये कंपाउंड आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो कंपाउंड है इसका कलर होता है प्रशियन ब्लू और इसका नाम है आयरन 3-hexacyanoferrite 2, तो इसी का जो कलर होता है वो प्रशियन ब्लू होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास केमिकल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए, कहीं कुछ रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।